हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल गैजेट्स मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एक स्मार्टफोन होल्डर फॉर बाइक का। बाइक के लिए ये एक स्मार्टफोन होल्डर जो कि मैंने अपने बाइक के लिए ऑर्डर किया है। और आप भी दोस्तों अगर ब्लॉगर है, ब्लॉगिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का काम करते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं या फील्ड का काम करते हैं और आपको अपने स्मार्टफोन को हरदम अपने सामने रखना होता है, तो आप इस स्मार्टफोन होल्डर को अपने बाइक के ऊपर माउंट कर सकते हैं। और जनरली दोस्तों इस टाइप के प्रोडक्ट आपको मार्केट में बहुत कम देखने को मिलते हैं। जनरली अगर हम बात करें छोटे शहरों की या रूरल एरिया की, तो वहां पर आपको इस टाइप के प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं, और मिलते भी हैं तो उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो ये प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है अपने लिए, मैं इसको अपनी बाइक के ऊपर यूज करने वाला हूं। साथ ही इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको बताऊंगा, इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको कैसी देखने को मिलती है। पूरा का पूरा ये मेटल के साथ में आता है। अपनी बाइक के ऊपर मैं इसको माउंट करके बताऊंगा, साथ ही उसमें स्मार्टफोन लगा करके और बाइक को चला करके भी बताऊंगा कि किस तरीके की आपको स्टेबिलिटी मिलती है। सारी चीजें आपको मैं यहां पर बताने वाला हूं। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही शानदार प्रोडक्ट के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। पहले अपन इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, देख लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, क्या क्या एक्सेसरीज आपको इसके साथ में मिलती है। तो पहले यहाँ पर बात करें दोस्तों इसके पैकेट की, तो कुछ इस तरीके का पैकेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और इधर आप देखेंगे तो इसे आप साइकिल के ऊपर यूज कर सकते हैं, बाइक के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले बॉक्स को ओपन करते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके की पैकिंग के साथ में हमें मिलता है। और यहाँ पर दोस्तों इसको ओपन करते ही आप देखेंगे इसके अंदर आपको एक यूज़र मैनुअल देखने को मिल जाता है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सबसे ऊपर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का स्मार्टफोन होल्डर आपको देखने को मिल जाता है। पूरा का पूरा आपको मेटल का देखने को मिलता है, ये पोर्शन भी पूरा मेटल से बना हुआ है। और यहाँ पर आपने स्मार्टफोन की साइज़ के हिसाब से आप इस स्क्रू को ढीला कर सकते हैं। इस माउंट को आप ढीला करेंगे तो इसकी साइज़ बढ़ती जाएगी। पहले इसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये मेटल का देखने को मिलता है, ये भी पोर्शन मेटल का है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर थोड़ा सा ये स्प्रिंग लगी हुई, यानी कि पोर्टेबल है। और इसकी अगर आप और इसकी दिशा को अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। आपको इस तरीके से माउंट करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, इसको आप इस तरीके से चारों तरफ मूव भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ है। और देखते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिल जाता है। तो बॉक्स के अंदर आपको ये दो स्क्रूज देखने को मिल जाते हैं जो कि इस तरीके के एलंकी पाने से ये सेट होते हैं। इसके साथ ही में आपको ये एलंकी पाना भी देखने को मिल जाता है जिससे आप इसको टाइट कर पाएंगे। नीचे का जो ये एक स्टैंड आपको देखने को मिल जाता है जिसे आप यहाँ पर लगा करके बाइक के ऊपर माउंट करेंगे। साथ ही आपको यहाँ पर ये कुछ स्टिकर देखने को मिल रहे हैं जो कि रबराइज स्टिकर हैं, जो आप इस तरीके यहाँ पर कोने में इनको पूरी तरह से सेट कर लेंगे तो आपका जो स्मार्टफोन है वो डैमेज नहीं होगा, उस पर किसी तरह के स्क्रैच नहीं आएंगे और पूरी तरह से ये सेफ हो जाएगा। और फोन को अपन यहाँ पर एक बार माउंट करके देख लेते हैं कि यहाँ पर मजबूती आपको कैसी देखने को मिलती है। तो ये है मेरा आईकू का Z6 लाइट स्मार्टफोन। और यहाँ पर दोस्तों मैं इसको यहाँ पर ऐसे माउंट कर लेता हूँ और इसको मैं जैसे ही यहाँ पर टाइट करता हूँ, ये आप देख सकते हैं अभी भी टाइट हो रहा है। और आप देखेंगे कैसे अच्छी तरीके से ये बॉर्डर पूरी यहाँ पर कवर के ऊपर तक आ चुकी है, ये वाली बॉर्डर भी पूरी यहाँ पर ऊपर तक आ चुकी है और स्मार्टफोन अच्छी तरह से यहाँ पर टाइट हो चुका है। आप देख सकते हैं, अपन इसको अच्छी तरीके से ऐसे हिला करके देख लेते हैं। इतना दोस्तों इतना शेक तो बाइक के ऊपर नहीं होता है, तो मजबूती यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से आपको देखने को मिल जाती है। और कुछ इस तरीके से ये बाइक के ऊपर माउंट होने वाला है। अब अपन इसको बाइक के ऊपर माउंट करते हैं और फिर देखते हैं यहाँ पर कि कैसी स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। तो ये सारे सामान हम यहाँ पर लेकर के आ चुके हैं और यहाँ पर सबसे पहले चाहिए होगी आपको ये चीज़, ये एक्स्ट्रा हमारा जुगाड़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी चीज़ जो है, ये जो स्टैंड है ये भी मेटल का है और हम जो बाइक के ऊपर यहाँ पर माउंट करने वाले हैं ये भी पोर्शन मेटल का है। तो ये इस पर कुछ इस तरीके से स्लिप कर सकता है, तो इस वजह से दोस्तों स्मार्टफोन की सेफ्टी के लिए यहाँ पर हम एक्स्ट्रा मेजरमेंट ले रहे हैं। तो आपको चाहिए यहाँ पर कुछ इस तरीके का, ये एक मोटरसाइकिल का ट्यूब या कार का कोई भी ट्यूब हो उसका एक टुकड़ा ले लेना है। टुकड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि इसकी बॉर्डर से थोड़ा सा बाहर आ जाए। इसको यहाँ पर इसको बीच में से अपन कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये दो पार्ट में अपन ने कट कर लिया है, अभी के लिए इसको साइड में रख देते हैं। पहले यहाँ पर हम इसको कसना चालू करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों स्पेस बहुत कम है, इस वजह से यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी, नीचे आपको कसने के लिए नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको पहले इसको इस तरीके से पकड़ना है और एक जो है फर्स्ट वाला स्क्रू आपको इस तरीके से नीचे की साइड में रख करके और यहाँ पर लगा लेना है। फुल टाइट नहीं करना है, थोड़ा सा ढीला रखना है। उसके बाद में फिर इसको इस तरीके से आप मूव करेंगे और दूसरा स्क्रू यहाँ से इस तरीके से लगाएंगे। जो ये टुकड़े अपन ने यहाँ पर लिए थे उनको कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक को नीचे डाल देना है और दूसरे वाले टुकड़े को ऊपर की साइड में डाल देना है ताकि ये यहाँ पर शॉक एब्जर्वर का काम भी करेगा और इसको स्टेबल भी रखेगा। इसके बाद में ये एलंकी है,
इसको यहाँ पर लगाएंगे और सिंपली इसे टाइट करते जाएंगे। जब ये यहाँ पर स्टेबल हो जाए तो इसको छोड़ देना है, ज़्यादा लोड इसके ऊपर नहीं लेना है, नहीं तो ये जो मेटल का पार्ट है यहाँ से ब्रेक हो सकता है। तो ये यहाँ पर हमने अपने स्मार्टफोन को बाइक के ऊपर माउंट कर लिया है, होल्डर के ऊपर अच्छी तरीके से माउंट कर लिया है और बाइक को चलाकर भी मैं टेस्ट कर रहा हूँ और बाइक को मैंने लगभग 70-80 की स्पीड तक रन किया है और स्मार्टफोन बिल्कुल स्टेबल था, यानी कि और अभी यहाँ पर आपको स्पीड 40-50 के अराउंड दिखाई दे रही है जबकि बाइक की स्पीड 60 के अराउंड है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहती है मैप के अंदर। लेकिन मैंने इसको 80 की स्पीड पर भी रन करके देखा है और स्टेबिलिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी थी, बिल्कुल भी स्मार्टफोन शेक नहीं हो रहा था और नहीं किसी तरह की नॉइज़ थी। तो मेरे हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर आपको स्मार्टफोन को मूव करने का ऑप्शन भी मिलता है, आप स्मार्टफोन को घुमा सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आप स्मार्टफोन को घुमा सकते हैं। ये मैंने हैंडल के नीचे लगाया इसलिए मूव नहीं हो रहा है, अगर आप ऊपर की साइड में लगाएंगे तो अच्छी तरीके से आप इसे मूव कर पाएंगे। 300 रुपीज का आपको ये देखने को मिल जाता है। तो इसको बाय करने के लिए मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इसे परचेस कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन आपको वहां पर मिल जाएंगे। ये आपको विथ यूएसबी चार्जर भी मिल जाता है और विदाउट यूएसबी चार्जर भी मिल जाता है, दोनों ही वेरिएंट आप परचेस कर सकते हैं, दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।